अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। आक्रोशित जन का इसे ही तो आशीर्वाद कहेंगे। ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रही थी एक महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है, 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। जन आशीर्वाद यात्रा हमारी जो प्रारंभ हुई है, एक हमारी यात्रा क्रमांक 2 नीमच से प्रारंभ हुई थी, कल राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया था। यात्रा की अपार सफलता और जनमानस का जिस प्रकार का समर्थन यात्रा को मिल रहा है, उसको देख करके अभी मुझे जानकारी मिली है कि मनासा विधानसभा के अंदर जो रावड़ी कूड़ी एक स्थान है, वहाँ पहाड़ियों में और पेड़ों के पीछे छिप करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कांग्रेसी गुंडों ने जो हमला किया है, ये केवल दुर्भाग्यजनक नहीं, केवल आलोचना करने लायक नहीं, ये गंभीर अपराध किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, ये कांग्रेस इस बात से घबरा गए हैं, इन्हें लगने लगा है किस प्रकार का समर्थन जनता का जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। आज माननीय अमित शाह जी ने मंडला के अंदर ट्राइबल क्षेत्र में किस प्रकार से जनता जनार्दन उमड़ी, तो ये जो सफलता है कांग्रेसियों को, इसको देख करके वो घबराए हैं और इन्होंने यात्रा पर हमला किया है, योजनाबद्ध तरीके से किया है, इनको किसी की मत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि और ताकत के साथ हम यात्रा को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार से ये यात्रा किसी प्रकार से कैसे रोका जाए, ये कांग्रेसी षड्यंत्र करना चाहते हैं, इसलिए इन षड्यंत्रों से ध्यान में रखते हुए हमें अपनी यात्रा की और रचना ताकत के साथ मना करके आगे बढ़ेंगे। हम किसी प्रकार का ऐसी चीजों को हम ध्यान में रख करके अनुशासन के साथ चीजें तो करेंगे ही, लेकिन कांग्रेसियों की इस प्रकार की गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे, इस काम कड़ा जवाब देंगे। ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, यही इनकी गुंडागर्दी का चरित्र, इनका तो मूल चरित्र रहा है। इनके इतिहास में जाओ तो अपराधीकरण की प्रवृत्ति के लोग ही रहे हैं। और ये चीजें दिखाई देनी लग गई कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो चारों प्रारंभ हो गई, कल एक और प्रारंभ होने वाली है, इससे बौखला गए। ये कांग्रेसी गुंडागर्दी पर उतरे, इसका कड़ा जवाब कांग्रेसियों को दिया जाएगा। आक्रोशित जन का इसे ही तो आशीर्वाद कहेंगे। जिस तरह जनता का आक्रोश जन आशीर्वाद को प्राप्त हुआ है, मैं तो और कहना चाहूंगा कि 18 साल के पापों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, जनता त्रस्त है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ वर्गों को जूते चप्पल भी बांटे हैं, हो सकता है कि अब जन आशीर्वाद अपनी अगली पायदान भी छू ले। जब यह जन आक्रोश यात्रा जनता की ओर से अगले पायदान को छुएगी, तब भी ये कांग्रेस का ही नाम लेंगे। जितने पाप किए हैं वो कांग्रेस से पूछकर तो किए नहीं हैं, और पाप भुगतना होगा, ईश्वर न्याय करता है। जनता कब तक सहेगी, तो वही तो जनता का आक्रोश है।